ही नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए नाम काफ़ी पुराना है और सबको ही पता होगा अंबुजा सीमेंट काफ़ी फेमस है, यानी तकरीबन हर एक स्टेट में, वेस्ट बंगाल साइड में तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है अंबुजा सीमेंट। तो अगर आप देखो इसका जो स्टॉक प्राइस अभी है वो 309 रुपए के आसपास चल रहा है। लेकिन एक मज़े की बात बताऊँ, अगर आपको नहीं पता है तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कल आए थे, एक शानदार यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ नज़र आया है, बहुत बढ़िया यहाँ पर इसने प्रॉफिट दिखाया है। अगर यहाँ पर देखोगे अंबुजा सीमेंट Q1 रिजल्ट, यहाँ पर अगर हम देखें नेट प्रॉफिट जम 71% टू 947 करोड़ बीट्स एनालिस्ट एस्टिमेट। यहाँ तक कि जो एनालिस्ट कह रहे थे कि भैया कि यहाँ तक का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आ सकता है, उसको भी बीट किया है, उसके भी एस्टिमेट्स को बीट कर दिया है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट, लेकिन आज आप सोच रहे होंगे फिर चला क्यों नहीं। अरे भैया मार्केट का सिनेरियो ही कुछ ऐसा रहा, और साथ में नीचे से देखो अगर तो 292 रुपये 290 रुपये के आसपास से स्टॉक चलता हुआ लगातार आया है, तो एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हम कह सकते हैं, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग, या एक और बात कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर को डरा कर एग्जिट करने की प्रतिक्रिया। यहाँ पर क्या होता है, ऑपरेटर्स जो हैं वो माल उठाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को अब बहुत ज़्यादा माल डंप करके रिटेल इन्वेस्टर्स को डरा देते हैं। वो रिटेल इन्वेस्टर क्या देखता है कि यार इतना बढ़िया प्रॉफिट आने के बाद भी स्टॉक गिर रहा है, लगता है इसमें दम नहीं है, और वो फटाफट से यहाँ एग्जिट हो जाते हैं और नीचे के प्राइस से ऑपरेटर्स माल भर लेते हैं। तो ये भी आप समझ सकते हो, कुल मिला जुला के ये बातें हैं। अभी यहाँ पे मैं बात करूँगा कि शॉर्ट टर्म में इसमें किस तरह से हम बड़ा मुनाफा निकाल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी मत जाइएगा। अगर बीच में छोड़कर कहीं जाते हो तो उसमें नुकसान आपका है, आपकी ज़िंदगी के 5-7 मिनट लगते हैं, बट जो आप सीखते हो, जो आपको पता लगता है, वो अलग ही लेवल का होता है यार। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखोगे तो आपको एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स एंड IIFL के डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिलते हैं। हमारे लिंक के थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करते हैं। चलिए अभी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज का अगर हाईएस्ट प्राइस देखें तो एक बढ़िया हाई लगा है 319 रुपये का, लेकिन स्टॉक ऊपर के लेवल से स्लाइड हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई है। और यहाँ पर अगर देखें तो लो हमें लगता हुआ नज़र आ गया है, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो 307 रुपये का, 307 का लो लग गया, और हमने अपने प्रीमियम ग्रुप्स में 307 रुपये के आसपास ही इसमें बाइंग दी है। डिस्कस करेंगे हम, लेकिन उससे पहले जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक देखते हैं तो उसके फंडामेंटल्स ज़रूर देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अंबुजा सीमेंट्स का फंडामेंटल देखता हूँ। मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो 62,359 करोड़ का कंपनी है, बुक वैल्यू 115 रुपये, करंट प्राइस 307 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक साल में अगर देखें तो नीचे का लेवल 162 और ऊपर 330 का दिखा दिया है। स्टॉक का पी मात्र 21 का है और ROC बढ़िया 18% का है, ROE बढ़िया 10% का है, बढ़िया डिविडेंड यील्ड भी नज़र आती है, और फेस वैल्यू भी अच्छा खासा हमें 2 रुपये का दिख रहा है। चलिए फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। यहाँ पर एक चीज़ आपको प्लस पॉइंट क्या मिलेगा, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड, कंपनी मेंटेनिंग हैवी डिविडेंड यील्ड पे आउट। तो यहाँ पे कितना कुछ आपको बढ़िया सा मिल गया, पॉजिटिव चीज़ें। और यहाँ पर अगर देखें तो पहले नंबर पे अल्ट्रा टेक, दूसरा नंबर पे श्री सीमेंट और तीसरे नंबर पे अंबुजा सीमेंट। पी रेशो देखें तो अल्ट्रा टेक सीमेंट का है 25 का, श्री सीमेंट का है 50 का, लेकिन अंबुजा का है 21 का, ACC का 19, JK सीमेंट्स का 32 और बिरला कॉरपोरेशन का जो है वो 12 का है। प्राइस में अगर बात करें तो सबसे सस्ता अगर मैं बोलूं तो अंबुजा सीमेंट ही लग रहा है, प्रिज्म को छोड़ के, प्रिज्म की मैं बात भी नहीं करूंगा, यह आउटडेटेड है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो अंबुजा सीमेंट का सबसे सस्ता मिल रहा है, PE भी अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पर हमें इससे बढ़िया बेट हो सकता है। लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स आपके सामने हैं, बढ़िया प्रॉफिट है यहाँ पर अगर देखें हम तो आपको नज़र आएगा, कहाँ 732 करोड़ और कहाँ 947 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर आप देखोगे तो कहाँ 555 करोड़ और कहाँ 947 करोड़, बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट पेश किया है। और यहाँ पर अगर हम देखें बैलेंस शीट में तो कुछ कर्जा नहीं है, सिर्फ 90 करोड़ नज़र आ रहा है, वो भी इधर उधर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम रिज़र्व देखें
22,000 करोड़ का रिजर्व है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम शानदार नज़र आएगी यहाँ पे। कैसे शानदार है यहाँ पर देखो तो प्रमोटर्स के पास 63% है, FIs के पास 17 और DIs के पास 12। लेकिन अगर बात करें पब्लिक के पास, भैया हम अच्छे शेयर्स लेना ही नहीं चाहते हैं, हमारे पास सिर्फ 6% है। हम आम पब्लिक के पास, इतनी बड़ी जनता FIs और DIs के पास देखिए उनसे दुगने हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 6% है। बल्कि अच्छे कंपनियों में तो यार हमारे पास ज़्यादा स्टेक होना चाहिए। जो कंपनियां चलती है उस पर हमारा स्टेक होता नहीं है, और पेनी शेयर्स पे हमारा बड़ा बड़ा स्टेक होता है। यार क्या किया जाए। चलो फंडामेंटल तो हमें समझ में आ गया, बेस्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चार्ट के ऊपर कैसी लग रही है कंपनी, चलिए चार्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। वन मंथ का चार्ट कैंडल लगाते हैं, यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है। बढ़िया ब्रेकआउट दिया है 290 के आसपास, मतलब एक चीज़ श्योरिटी नज़र आ रही है कि अभी 290 के नीचे फर्दर जाता हुआ ये नहीं नज़र आने वाला। हाँ, अगर पूरे बाजार में ही बड़ी गिरावट आती है फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर तो HDFC बैंक, रिलायंस और अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी गिरेंगे। लेकिन अगर बाजार ऊपर चल रहा है और इसमें कोई कारणवश गिरावट आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, सब बहाना नहीं चलने वाला है, 290 से नीचे ये नहीं जाने वाला है, ऐसा मेरा अनुमान है। फिर भी अगर आप चाहो तो 290 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग ले सकते हो। पहला टारगेट 325 का होगा, दूसरा टारगेट 345 का होगा। शॉर्ट टर्म में ये टारगेट्स अचीव होंगे। जो भी हम यहाँ पर कॉल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो टेक्निकल बेसिस पे सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है। कोई भी अगर आपका लॉस होता है या नुकसान होता है तो हमारा यूट्यूब चैनल या हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो अपना खुद का सोच समझ के ट्रेड लिया करो यार, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमने पूरा अंबुजा सीमेंट को देख लिया, बाकी यहाँ पे कुछ बाकी नहीं है। आपने फंडामेंटल भी अच्छा खासा देख लिया, अब एक चीज़ रहता है वो है आज का कारोबार। आज का कारोबार बताएगा कि ऑपरेटर्स चाहते क्या है। तो NSE की साइट पे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अंबुजा सीमेंट, क्योंकि ये काफ़ी अर्जेंट चीज़ है और इसको मैं लास्ट में जानबूझकर रखा, पहले भी देख सकता था बट चलिए। 19% की हमें डिलीवरीज देखने को मिली है, उतना ज़्यादा नहीं है, कोई एबनॉर्मल नहीं लग रहा है, नॉर्मल सा ही है, ठीक है ना, 19% की डिलीवरी। चलिए जो भी हो वेट करिए, इसमें ध्यान रखिए, काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एक छोटा सा डिस्कशन और है यहाँ पर, वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो इस पर आउटकम पर मैं क्लिक किया कल जो रिज़ल्ट आया था, और इस पर क्लिक कर लेता हूँ फटाफट से।